जब श्री अरुण गोविंद जी रामायण सीरियल में भगवान राम का रोल अदा कर रहे थे और उस रोल के माध्यम से कलयुग में भी भगवान राम के चित्रण को जीवंत कर रहे थे, उस समय उनको भी नहीं पता रहा होगा कि एक दिन रामलला अपनी जन्मभूमि पर अपना जन्मोत्सव मनाएंगे। और क्या संयोग है कि जब अरुण गोविल मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी बने, उसी वर्ष 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए रामलला भी अपनी जन्मभूमि पर अपना जन्मोत्सव मना रहे हैं। बहनों और भाइयों, अयोध्या में रामलला का जन्मोत्सव, और कल आपने देखा होगा सूर्यवंशी राम भगवान सूर्य की किरणों से उनका तिलक और अभिषेक किस रूप में हो रहा था, यह भी पूरे देश और पूरी दुनिया को अनुभव कर रहा था। बहनों भाइयों, ये जो आप देख रहे हैं, जो आपने कल देखा है, जो आपने 22 जनवरी को देखा है, जो आपने 2020 में देखा है, पहले शिलान्यास हुआ, फिर प्रभु राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन हुआ और कल जन्मोत्सव का कार्यक्रम। कल अयोध्या धाम में 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए थे, 15 लाख से ज्यादा। आप मुझे बताओ, क्या यह कार्य कांग्रेस सपा बसपा के लोग कर पाते क्या? क्या ये लोग कर पाते क्या? और इसीलिए हम लोग आए हैं और इसीलिए अरुण गोविल को भी लेके आए हैं। देखो, जितना भी ये हो रहा है, 1857 में धन सिंह कोतवाल ने, बहनों और भाइयों, देश की स्वाधीनता के लिए अपनी नौकरी को ठुकरा करके देश के अमर बलिदानियों की श्रेणी में खड़ा होकर के देश की स्वतंत्रता का उद्घोष किया था। उन महापुरुषों का जो सपना था, बस सपना एक ही था कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। वे अपने लिए नहीं जिए थे, अपने परिवार के लिए नहीं जिए थे, उनका जीवन देश के लिए था, इस देश के लिए था, देश की स्वाधीनता के लिए था, आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए था। और इस वर्तमान पीढ़ी का यह सौभाग्य है कि जो सपना इस देश के क्रांतिकारियों ने, अमर बलिदानियों ने देखा था, उस सपने को आज साकार होते हुए हमारी वर्तमान पीढ़ी देख रही है। ये विकसित भारत की जो संकल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है, ये विकसित भारत दुनिया में सम्मान हो, सीमाएं सुरक्षित हो, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हो, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास हो, एक गढ़ से कठोर होते हुए जो मार्ग दौर के लिए आ रहा है, 4 लेन का बन रहा है, कोई कल्पना करता था? मेरठ से दिल्ली का 12 लेन का एक्सप्रेस वे, रैपिड रेल, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में यहां के स्पोर्ट्स आइटम को वर्ल्ड में भेजने का कार्य, ग्लोबल बनाने का काम जो हुआ है। और बहनों और भाइयों, आज जो आपके यहां माहौल परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरठ में भी हम लोग मेट्रो भी देने जा रहे हैं, ये जितने कार्य है, ये 14 की पहले कल्पना थी। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी नहीं,
आप सोचिए 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, पाकिस्तान भी स्वतंत्र हुआ। पाकिस्तान के पास संख्या कम गई लेकिन क्षेत्रफल ज्यादा गया। और बहनों और भाइयों, भारत 80 करोड़ लोगों को 4 वर्ष से फ्री में राशन दे रहा है, अगले 5 वर्ष तक जारी रहेगा। और पाकिस्तान, भारत की आबादी है 140 करोड़, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं और पाकिस्तान की आबादी है 22 करोड़ और लोग वहां भूखों मर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं वहां। भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बना, भारत का समृद्ध क्षेत्र और ज्यादा भूमि भी गई, लेकिन वहां भूखों मर रहे हैं और भारत की सरकार अपने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रही है। जितना पाकिस्तान की आबादी नहीं, उससे ज्यादा लोगों को पिछले 10 वर्ष में गरीबी रेखा से ऊपर करने में मदद मिली है भारत के अंदर। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ गरीबों को फ्री में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, और हमने उत्तर प्रदेश में भी किया कि आयुष्मान कार्ड किसी का अगर नहीं बना है, हमारा विधायक या सांसद या स्वयं पीड़ित व्यक्ति एक एप्लीकेशन भी भेज देता है ना कि मैं बीमार हूं, मेरे परिवार में फलाना बीमार है, मेरी स्थिति नहीं कि मैं उपचार करा सकूं। हम लोग जिन 50 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुलवाया है, उस अकाउंट में सीधे पैसा भेजने का काम कर देते उन लोगों के पास। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ लोगों के लिए जनधन अकाउंट, 12 करोड़ गरीबों के लिए, 12 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का लाभ, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का फ्री में सिलेंडर, 4 करोड़ गरीबों के फ्री में मकान, सिर ढकने के लिए एक प्रधानमंत्री आवास योजना का मिल जाना, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में फ्री में बिजली का कनेक्शन मिल जाना, ऐसी ढेर सारी योजनाओं का लाभ भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराया गया। और बहनों भाइयों, ये जितना परिवर्तन हुआ है, चाहे वह सम्मान बढ़ा हो, सुरक्षा बढ़ा हो, आपकी आस्था का सम्मान हुआ हो, विकास के बड़े बड़े कार्य हुए हैं, ये सभी कार्य हुए हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। बहनों भाइयों, मैं इसी